हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं फैंटेसी एक्सप्रेस का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टी20 ब्लास्ट मैच के बारे में, जो कि होने वाला है लैंकेशायर वर्सेस दुरहम के बीच में। तो गाइस, कैसा मुकाबला होगा, कौन कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, साथ ही साथ किन प्लेयर्स को आपको अपनी फैंटेसी टीम में रखना है या किन को हटाना है, कप्तानी वाइस कप्तानी के बेस्ट ऑप्शन क्या होंगे, सब कुछ वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइस, ये है नॉर्थ ग्रुप का मुकाबला, DUR VS LA एंड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टी20 ब्लास्ट का मुकाबला है जो आज रात को 11 बजे खेला जाएगा। उनके टाइम के हिसाब से वहां पे शाम को स्टार्ट होगा मैच और यहां पे रात को स्टार्ट होगा। गाइस, अगर बात करें कहां पे इस मैच को खेलना है, तो एक ही एप्लीकेशन है, विजन 11। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको मिलते हैं सबसे कम एंट्री फी के कॉन्टेस्ट, प्लस आप कॉन्टेस्ट को एक ही क्लिक में ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको एक ऐसा फीचर देते हैं कि आप 200 प्लस कॉन्टेस्ट को भी एक सिंगल क्लिक से ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो विजन 11 को आज ही साइन अप कर लीजिए। रेफर कोड आपको लगाना है FX। जो भी लोग रेफर कोड FX लगा के साइन अप करेंगे, उनको ₹500 का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ₹500 का एक्स्ट्रा बोनस है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टाइटल पे क्लिक कीजिए, रीड मोर सी मोर होगा यूट्यूब पे नीचे, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो ऊपर रीड मोर या फिर सी मोर पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन ओपन करिए, ऊपर ही आपको ऐप का लिंक मिलेगा। डाउनलोड करिए और आज ही साइन अप करिए ये कोड लगा के। ₹500 का इनिशियल बोनस आपको मिल जाएगा जैसे ये कोड लगाएंगे, प्लस आपके लिए गिवअवेज अनलॉक हो जाएंगे। गाइस, बात करें इस मैच की, तो ये मैच कहां खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा चेस्टर ली स्ट्रीट रिवरसाइड ग्राउंड इंग्लैंड में, जो कि दुरहम का होम ग्राउंड है। हालांकि उनके रिकॉर्ड यहां पे कुछ अच्छे नहीं रहे, आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कितने मैच यहां पे टी20 डोमेस्टिक में खेले गए हैं। घरेलू मुकाबलों में 61 मुकाबले खेले गए हैं, 31 बैटिंग फर्स्ट 30 बैटिंग सेकंड ने जीते हैं। एवरेज स्कोरिंग 160 के आसपास की है। हाईएस्ट टोटल दुरहम का 223 है और लोएस्ट टोटल भी दुरहम का 78 है। स्कोरिंग मैक्सिमम यहां पे 223 गई है। कितने मैचेस में? 61 मैचेस में। यानी कि बहुत हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड नहीं है। हाँ, ठीक ठाक बैटिंग फ्रेंडली है। आखिरी चार मैचेस बताऊंगा तो आप समझ भी जाएंगे। अगर हम बात करें स्कोरिंग पैटर्न की, तो सबसे ज्यादा बार 23 टाइम्स जो फर्स्ट बैटिंग में टीमों ने स्कोर किया, 150 के नीचे स्कोर किया है। 150 से 169 का स्कोर टीमों ने 15 बार किया है। 170 से 189 टीमें 14 बार पहुंची हैं और 190 के ऊपर टीमों ने 9 बार स्कोर किया है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं लोअर साइड पे रन्स ज्यादा बने हैं फर्स्ट बैटिंग करते हुए। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड, इसमें हम आपको बताएंगे लास्ट चार मैचेस में क्या हुआ इस ग्राउंड पे। आखिरी मैच इसी साल खेला गया इस ग्राउंड पे, 168 दुरहम ने बनाया था। नॉर्थ्स ने उसको चेज भी किया, 5 विकेट से नॉर्थ्स उस मैच को जीते। अब देखिए फास्ट बोलर्स को इस मैच में कितनी विकेटें मिली, 6-2-8 टोटल विकेटें फास्ट बोलर्स को 8 मिली इस मैच में, 8 विकेट। और स्पिनर्स को कितनी विकेटें मिली टोटल? 3 विकेट। ठीक है, कितनी विकेट मिली? 3 विकेट स्पिनर्स को। स्पिनर्स को सेकंड बॉलिंग के केस में विकेटें मिली, फर्स्ट बॉलिंग में तो स्पिनर्स को विकेटें मिली ही नहीं। एक और मैच है 2022 का, स्कोरिंग बहुत कम हुई थी, ये DL मेथड से मैच था, 11 ओवर के आसपास का मैच हुआ था ये, तो एक टीम ने 98 बनाया, एक ने 96 बनाया। इस मैच में भी देखो फास्ट बोलर्स 8 विकेट लेके गए थे, स्पिनर्स को कम विकेटें मिली, बट जो भी ज्यादा विकेटें मिली वो सेकंड बॉलिंग करते हुए मिली। तो इस चीज को थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए कि सेकंड इनिंग में यहां पे स्पिनर्स थोड़ा सा बेटर करते हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले। अगर नहीं मानते तो एक मैच और देख लो। इस मैच में भी स्कोरिंग थोड़ी सी कम रही, क्योंकि आपको बता चुका हूं बहुत ज्यादा रन यहां पे नहीं बनते। फास्ट बोलर्स को ज्यादा विकेटें मिलती हैं एज यूजुअल मिली, बट इस बार स्पिनर्स को भी ज्यादा विकेटें मिली, और आपको पता है सेकंड इनिंग में यहां पे स्पिनर्स ज्यादा विकेट लेते हैं। ठीक है, हर एक मैच में आप देखेंगे, यहां भी देख लो, ये वाले मैच में भी सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेटें मिली स्पिनर्स को। ठीक है, ओवरऑल पेसर्स भी अच्छा करते हैं, स्पिनर्स भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेसर्स अच्छा कर रहे हैं, स्पिनर्स जो बेस्ट करते हैं वो सेकंड बॉलिंग के केस में करते हैं यहां पे, मतलब फिर फास्ट बोलर्स को भी पछाड़ देते हैं। आखिरी चार मैचेस में फास्ट बोलर्स को 25 विकेटें मिली, वहीं स्पिनर्स को 29 विकेटें मिली है। आप देखिए फास्ट बोलर्स ज्यादातर विकेटें अपनी फर्स्ट बॉलिंग करते निकाल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हुए 19 विकेटें निकाली फास्ट बोलर्स ने 25 में से, और सिर्फ 6 विकेटें उनको मिली है कहां? सेकंड बॉलिंग करते हुए। और स्पिनर्स के साथ उल्टा है, स्पिनर्स ने जितनी भी विकेटें इस ग्राउंड पर निकाली 29 विकेटें, पहले बॉलिंग करते हुए उनको 7 विकेटें मिली, और जब वो सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आए तो 22 विकेटें लेके गए। तो ध्यान रखिए फर्स्ट इनिंग के फास्ट बोलर्स और सेकंड इनिंग के स्पिनर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टीमों का अगर हम हेड टू हेड देखें, टोटल 33 मैचेस में से लैंकेशायर ने 23 जीते और दुरहम ने 10 मुकाबले जीते। तो कहीं ना कहीं लैंकेशायर ओवरऑल हेड टू हेड में
आगे लग रही है। अगर हम बात करें आखिरी पांच हेड टू हेड मुकाबलों की जो इन दोनों टीमों के बीच में खेले गए, तो लैंकशायर ने आखिरी पांच में से एक मैच जीता है और दुरहम ने आखिरी पांच में से तीन मुकाबले जीते। यानी रिसेंट टाइम पे दुरहम का रिकॉर्ड लैंकशायर से अच्छा रहा है, बट अभी प्लेइंग 11 क्या है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे अभी की कंडीशन। अभी फिलहाल के लिए तो आखिरी पांच मैच देखें तो दुरहम आगे है, ओवरऑल देखें तो लैंकशायर आगे है। अभी भी आप कंफ्यूज होंगे, आगे आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, बस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिएगा और पसंद आता है वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। गाइज, इस ग्राउंड पे इन दोनों टीमों ने चार मैचेस खेले हैं, उन चार मैचेस में से दो लैंकशायर जीती और दो दुरहम की टीम जीती है। होम ग्राउंड किसका है? दुरहम का। फिर भी लैंकशायर यहां पे आके चार में से दो मैच जीतती है और दुरहम भी दो जीतती है। टोटल लैंकशायर ने यहां पे पांच मुकाबले खेले हैं, दो जीते हैं तीन हारे हैं। अगर हम बात करें दुरहम की टीम की, दुरहम की टीम ने 23 मुकाबले खेले हैं, मात्र 7 मैचेस को ये लोग जीते हैं और बाकी 16 मैचेस हारे हैं। यानी कि अपने ही घर में दुरहम का रिकॉर्ड काफी ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, आप देख रहे हैं आउटसाइडर टीम बराबर के रिकॉर्ड पे है और जो घर पे टीम खेल रही है अपने ही घर पे खराब खेल रही है। अब देखो इन दोनों टीमों के बीच के आखिरी चार मैचेस उनमें क्या हुआ है, आखिरी चार मैचेस में कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले 21 जून 2022 का एक मुकाबला है, ये नो रिजल्ट मैच था, लैंकशायर ने फर्स्ट बैटिंग करी थी, दुरहम की बैटिंग नहीं आ पाई थी, फिर भी देखो किन प्लेयर्स ने परफॉर्म किया। दुरहम की तरफ से बेन रने ने एक विकेट निकाला था जो उनके डेथ बॉलर भी हैं, एंड्रू टाई ने एक विकेट निकाला था, ट्रेविस किस को दो विकेट मिले थे, सॉटर को दो विकेट मिले थे, स्पिनर्स इस मैच में काफी अच्छा करके गए थे। लैंकशायर की तरफ से क्रॉफ्ट ने 52 रन बनाए थे, जी बेल के 31 थे, ल्यूक वेल्स के 21 और टिम डेविड के 16 रन थे। एक और मैच है, ये कंप्लीट मैच है इनके बीच का, 10 जून 2022 वाला, इसमें देखो बेडिंगम ने 36 रन बनाए, बेन रने के 7 रन और 2 विकेट थे, एंड्रू टाई के 16 रन और 3 विकेट थे और सॉटर के 3 विकेट थे। लैंकशायर की तरफ से क्रॉफ्ट ने 52 का स्कोर किया, फिल सॉल्ट 23, हार्टली 2 विकेट और ग्लीसन को 4 विकेट मिली। इनके बीच का एक और मैच देखिए, ये वाला मैच है 2021 वाला, इनके बीच का दुरहम और लैंकशायर के बीच का, बैटिंगम अगेन 50 का स्कोर करते हैं, डिक्सन ने 53 बनाया, बेन रने को 1 विकेट मिला, इसके अलावा मैटी पॉट्स और बॉर्थविक ने भी 2-2 विकेट ईच निकाली हुई हैं। अब लैंकशायर की तरफ से फिन एलन की 66, डेविस के 56, वुड के 2 विकेट, हार्टली का 2 विकेट है, पिछले मैच में हार्टली बैटिंग भी काफी अच्छी करके गए हैं। और एक और आखिरी मैच इनके बीच का अगर हम देखें तो उसमें लैंकशायर की तरफ से फिन एलन के 25, बैटिंगम अगेन 58, फिर आप देखिए कार्से और ट्रेविस किस के 1 विकेट ईच है, परकिंसन के 2 विकेट, क्रॉफ्ट के 25 रन 2 विकेट, लिविंगस्टन के 65 रन 1 विकेट, बॉर्थविक का 1 विकेट और मैटी पॉट्स के 3 विकेट है। ये इन दोनों टीमों के बीच के आखिरी चार मैचेस हैं, तब से अब में स्क्वाड में भी काफी डिफरेंस है, तो आप आखिरी एक दो मैच देखें तो वो ज्यादा आपके लिए रिलायबल होंगे। अब हम बात करते हैं कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। लैंकशायर थोड़ी सी मजबूत टीम नजर आ रही है, क्यों? क्योंकि इनके पास है मैच विनर्स, जॉस बटलर वापस आ चुके हैं, भले उनका फॉर्म अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है बट आपको पता है सबसे बढ़िया प्लेयर्स में से एक है T20 फॉर्मेट के, सो वो है, लिविंगस्टन है, इसके अलावा इनके पास डेरिल मिशेल है, फिल सॉल्ट जैसे अटैकिंग प्लेयर भी हैं, हिट और मिस टाइप होते हैं बोर्ड, बट फिर भी इनके पास अच्छी खासी बैटिंग डेप्थ भी है और बॉलिंग भी ठीक ठाक है। कहीं ना कहीं ये अपने घर में कमजोर पड़ रहे हैं, दुरहम के स्टेट्स जो हमने देखे अपने घर में कमजोर हैं, और जब आमने सामने इस ग्राउंड पे ये लोग खेले हैं तब 2 मैच दुरहम और 2 मैच लैंकशायर जीती हुई है। सो डिफरेंस अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी रिसेंट टाइम पे ना थोड़ी सी लैंकशायर स्ट्रांग लग रही है मुझे पर्सनली, तो 60% चांस लैंकशायर का और 40% दुरहम का चांस मुझे लग रहा है, बेन स्टोक्स अभी दुरहम में है नहीं। अगर हम बात करें लैंकशायर की टीम की तो लैंकशायर की तरफ से फिल सॉल्ट ओपन करेंगे, किसके साथ? जॉस बटलर के साथ। अगर आप दोनों की बैटिंग स्टाइल देखें तो बटलर तो लंबे खेलने वाले प्लेयर हैं, अभी थोड़ा सा एक दो मैच से फॉर्म खराब है, बट फिल सॉल्ट फर्स्ट बॉल से अटैक करते हैं, यानी अगर ये लय में आ गए तो आराम से 30-35 बना देंगे, इतना तो आराम से बना ही सकते हैं, बट शुरुआत में खतरा भी इनको काफी रहता है क्योंकि शुरुआत से अटैक करते हैं तो जल्दी विकेट भी अपना दे सकते हैं। नंबर 3 पे स्क्रॉफ्ट आएंगे, फिर इनके पास ल्यूक वेल्स हैं जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, डेरिल मिशेल, लिविंगस्टन और कॉलिन डी ग्रैंडहोम जैसे इनके पास बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स हैं मिड ऑर्डर में, फिर टॉम हार्टली हैं जो ये भी बैटिंग कर लेते हैं, पिछले मैच में भी आई थिंक 30 के आसपास की स्कोरिंग करी थी और 20-24 रन ल्यूक वुड ने भी बनाए थे, तो इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ही ज्यादा है। और इनके अगर आप बोलर्स देखें तो इनके पास परकिंसन जैसे बोलर हैं, ल्यूक वुड हैं, हार्टली हैं, इसके अलावा शाकिब महमूद भी हैं, पिछले मैच में नहीं खेले। ओवरऑल ये टीम बहुत ज्यादा मजबूत मुझे नजर आ रही है। इनके पास अगर हम बात करें डेथ बोलर्स की तो कौन से बोलर हैं जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, तो एक जो बोलर है डेथ ओवर में, एक ल्यूक वुड है और एक डी मिशेल है, इनके चांसेस डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने के काफी ज्यादा हैं। अगर शाकिब महमूद खेलेंगे तो फिर वो डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करते हैं, आपको पता है वो भी डेथ बॉलर है, तो फिर ये 3 का ट्राई उछल सकता है, डी मिशेल, ल्यूक वुड और अगर शाकिब महमूद खेले तो वो,
ठीक है, ये है इनकी टीम और इनके टीम के परफॉर्मेंसेस अगर हम देखें रिसेंट टाइम पे कैसे हैं, अपोजिशन टीम के सामने कैसे हैं, इस ग्राउंड पे कैसा खेलते हैं, तो वही आपके सामने है। सबसे पहले बात करते हैं फिल सॉल्ट की। आखिरी चार T20 मैचेस में क्या किया इसने, दो मैच में 34-20 का स्कोर किया और दो मैच में स्कोरिंग काफी कम रही। ओवरऑल T20 बैटिंग में इसका एवरेज 25.9 का है, यानी इसके रन्स लगभग इसी आंकड़े के आसपास बनते हैं, एक विकेट देने से पहले ये इतने रन बनाता है। और वहीं अगर आप जॉस बटलर का देखें तो आखिरी 3-4 मैच इनके थोड़े से खराब है, जिसमें एक 95 का अच्छा स्कोर है, बाकी 3 मैचेस में 0 है 1 है। एवरेज ओवरऑल T20 में 35 का है और विकेट कीपर भी है, तो ये कप्तानी वाइस कप्तानी का भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन होगा। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की अगर आप दुरहम के अगेंस्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे तो दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे नहीं है। एक बार पिछले 4 मैच में एक बार बटलर ने परफॉर्मेंस दी है और फिल सॉल्ट आखिरी मैच में दुरहम के सामने 23 रन बना पाए थे, उसके पहले 4 रन है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं है। इस ग्राउंड पे अगर आप देखें तो फिल सॉल्ट ने आखिरी 3 मैचेस में स्कोरिंग बहुत अच्छी नहीं करी, बैटिंग एवरेज 18 का बनता है। और बटलर ने भी आखिरी 2 मैचेस यहां पे मतलब एक मैच में अच्छा खेले हैं, 59 बनाया, एक में 0 पे आउट हो गए थे, बैटिंग एवरेज 29.5 के आसपास की। अब स्टीव क्रॉफ्ट की बात करते हैं, राइटी बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर हैं, पिछले 4 मैचेस से एवरेज परफॉर्मेंस रही है, 30 की बैटिंग एवरेज इनकी T20 फॉर्मेट में रहती है। बॉलिंग इन्होंने पिछले 3 मैचेस से कोई करी नहीं है, स्ट्राइक रेट वैसे 24.6 का होता है, यानी अगर 4 ओवर पूरे करें तब भी चांसेस कम है विकेट मिलने के, लगभग है चांस बट एक आधी विकेट मिल सकता है। अपोजिशन टीम के सामने आंकड़े अच्छे हैं बैटिंग में, 27.3 का बैटिंग मतलब एवरेज भी है इनका अपोजिशन टीम दुरहम के सामने, और आखिरी 3 मैच से इन्होंने उसके दुरहम के सामने भी बॉलिंग नहीं करी, स्ट्राइक रेट 22.9 का होता है अगर बॉलिंग करेंगे तो। स्ट्राइक रेट का मतलब क्या होता है कि ये प्लेयर इतनी बॉल्स में एक विकेट निकालता है अपोजिशन टीम दुरहम की, अगर यहां पे स्ट्राइक रेट लिखा है, और अगर यहां पे स्ट्राइक रेट लिखा है तो इसका मतलब है कि ये प्लेयर इतनी बॉलों में 24.6 बॉल्स डालेगा अपने कैरियर में, तो उसको एक विकेट मिला होगा, जो उसकी पुरानी हिस्ट्री बनी हुई है। और इस ग्राउंड पे देख लीजिए आखिरी 3-4 मैचेस में 150 प्लस का स्कोर है क्रॉफ्ट का, 18 का एवरेज है मात्र, पिछले 3 मैच से कोई बॉलिंग नहीं करी इस ग्राउंड पे, और स्ट्राइक रेट 16.7 का है, यानी अगर बॉलिंग करेगा तो हर 16-17 बॉल में इस ग्राउंड पे एक विकेट ले सकता है। फिर हम बात करते हैं ल्यूक वेल्स की, लेफ्टी बैट्समैन है और गेंदबाजी भी कर लेते हैं, पिछले 3-4 मैचेस अगर आप देखें बैटिंग बॉलिंग से तो दोनों अगर मिलाएं बैटिंग बॉलिंग को तो एवरेज परफॉर्मेंसेस दिए हैं, 17 का बैटिंग एवरेज, स्ट्राइक रेट 21 का है। अपोजिशन टीम के सामने भी कोई खास बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट नहीं है, इस ग्राउंड पे भी कोई खास बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट नहीं है। ल्यूक वेल्स मेरे हिसाब से इस मैच में थोड़े से एवरेज पिक होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बॉलिंग बूस्ट आपको दे पाते हैं और प्लस थोड़े 20-22 रन बना देते हैं, तो उस हिसाब से एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। डी मिशेल काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ी बात है कि बैटिंग फॉर्म बहुत अच्छा है, ऊपर से डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आ जाते हैं, आखिरी कुछ मैचेस में बैटिंग ठीक ठाक करी हुई है, बॉलिंग भी ठीक ठाक करी हुई है, ओवरऑल बैटिंग एवरेज 33.5 का है और स्ट्राइक रेट 15.6 का है, कैरियर में 15.6 का स्ट्राइक रेट, यानी हर 16 बॉल में ये एक विकेट लेते हैं, विकेट टेकिंग तो है। पहली बार दुरहम को खेलेंगे, इस ग्राउंड पे भी पहली बार खेलेंगे रिवर साइड पे। अब हम बात करते हैं इसके बाद इनकी प्लेइंग 11 में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। अब आते हैं लियाम लिविंगस्टन, देखो बहुत नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं, टॉप ऑर्डर में काफी अच्छे अच्छे बैटर्स हैं बट फिर भी एक अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग आने पे जल्दी रन बनाने की क्षमता है। आखिरी 3-4 मैचेस अगर आप लिविंगस्टन के देखें तो एज अ बैटर बहुत अच्छे नहीं गए और एज अ बॉलर भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो जो लोग रिस्क ले सकते हैं वो इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि पिछले 4 मैचेस से आप देखिए मैच विनिंग नॉक्स नहीं खेले लिविंगस्टन ने, बहुत कमजोर पारियां रही हैं। अपोजिशन टीम दुरहम के सामने देखें तो वो बहुत अच्छा खेले हैं, पिछले 3-4 मैचेस में हर बार रन्स बनाए हैं बट वही कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर मिले तो शायद बना पाएंगे। अपोजिशन टीम के सामने बॉलिंग भी थोड़ी सी मतलब ठीक ठाक करी हुई है, स्ट्राइक रेट 22 और बैटिंग एवरेज 42 के आसपास की है। इसके बाद हम बात करें अगर इनके इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड की तो आखिरी 4 मैच में 2 बार 60-70 क्रॉस किया और हर बार विकेट निकाला, स्ट्राइक रेट 16.5 का इनका इस ग्राउंड पे। अब आती है कॉलिंडी ग्रैंड होम, रिसेंटली पिछले 4 मैच में कोई भी अच्छा बैटिंग नॉक नहीं खेला, हाँ पिछले 4 मैच में बॉलिंग में इन्होंने 2 बार 2-3 विकेट निकाले हुए हैं, तो और हालांकि इनका स्ट्राइक रेट कैरियर का बहुत खराब है 35.4 का, मतलब अपने कैरियर में हर 35 बॉल अगर इन्होंने डाली है तब जाके इनको एक विकेट मिला है। अब ये सुधरने लगा है क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से इनको विकेटें मिलना शुरू हुई हैं, तो उससे का ये स्ट्राइक रेट कम हो रहा है, कम होना स्ट्राइक रेट अच्छा है, ज्यादा स्ट्राइक रेट का मतलब तो आप समझ ही सकते हैं कि बंदा 35 बॉल लेता है, 35 बॉल कराएगा तब एक विकेट मिलेगा उसको, तो विकेट टेकिंग एबिलिटी कम है, बैटिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं है। अपोजिशन टीम के सामने हालांकि ये अच्छा खेला है, 2 मैच खेला, दोनों में देखो बॉलिंग तो अच्छी नहीं करी बट बैटिंग अच्छी करी हुई है, स्ट्राइक एवरेज इसका 97 है क्योंकि दोनों ही मैचेस में इसने मतलब एक ही मैच में विकेट दिया है, 63-34 बनाया और सिर्फ एक मैच में आउट हुआ था, तो इसका बैटिंग एवरेज 97 है। बैटिंग एवरेज का मतलब ही होता है प्लेयर के टोटल रन डिवाइडेड बाय वो कितनी बार आउट हुआ है, तो 63 और 34 अगर आप ऐड करें तो 97 होगा और इन 2 मैच में ये सिर्फ एक बार आउट हुआ, तो डिवाइड बाय 1 97 बैटिंग एवरेज।
इस ग्राउंड पे लास्ट टाइम 34 बनाया था इन्होंने, वही इनका बैटिंग एवरेज है। स्ट्राइक रेट नॉट एप्लीकेबल क्योंकि लास्ट टाइम इनको विकेट इस ग्राउंड पे नहीं मिली थी। अब बात करते हैं टॉम हार्टली, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, पिछले मैच में अच्छी बैटिंग करी थी, आखिरी कुछ मैचेस से विकेटलेस है। ओवरऑल कैरियर में स्ट्राइक रेट 20.4 का है, ये देख सकते हैं अपोजिशन टीम के सामने स्ट्राइक रेट बहुत खराब है, 45 बॉल्स में एक विकेट निकालते हैं। और यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ज्यादा विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर नहीं है ये टॉम हार्टली अगेंस्ट दुरहम। और इस ग्राउंड पे भी अगर आप देखें तो ज्यादा विकेट इनको नहीं मिलती, आखिरी तीन मैच में कोई खास विकेट नहीं मिली हुई है। हाँ, मैंने आपको बताया था इस ग्राउंड पे स्पिनर की वैल्यू तभी है जब वो सेकंड बॉलिंग करे, तो अगर ये सेकंड बॉलिंग करे तब शायद ट्राई कर लेना, फर्स्ट बॉलिंग में तो बिल्कुल छूना भी मत। स्ट्राइक रेट इस ग्राउंड पे 36 का इनका, बॉलर है बट देखो स्ट्राइक रेट कितना खराब है। ल्यूक वुड की बात करते हैं, ये देखो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग अच्छी करते हैं, पिछले दो मैचेस थोड़े से खराब गए हैं बट चार ओवर पूरे डालने वाले प्लेयर हैं, विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं। स्ट्राइक रेट 18 के आसपास की है, अपोजिशन टीम के सामने इनके स्टैट भी खराब है। स्ट्राइक रेट हालांकि 16 की है, रीसेंट टाइम पे स्टैट खराब है, पहले अच्छा खेला करते थे। अगर हम बात करें वेन्यू पे रिकॉर्ड की तो 20 का स्ट्राइक रेट है, तो ओवरऑल ल्यूक वुड हैं अच्छे प्लेयर बट थोड़े से हेड टू हेड वगैरह अगर आप देखें तो रीसेंट टाइम पे उतने अच्छे नहीं रहे। टॉम बेली की बात करते हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं, आखिरी चार मैचेस में कोई विकेट नहीं है इनके पास, इनके ओवर्स भी कटते हैं। स्ट्राइक रेट हालांकि कैरियर में 17.3 का है, अपोजिशन टीम के सामने स्टैट बहुत अच्छा नहीं है बट स्ट्राइक रेट 15.6 का है, यानी हर 15.6 बॉल में एक विकेट अपोजिशन का निकालते हैं। और इस ग्राउंड पे भी स्टैट एवरेज है, 20 के आसपास की स्ट्राइक रेट इनकी बनती है। अब बात करते हैं पर्किंसन की, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है, काफी विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर है, पिछले चार मैच थोड़े से एवरेज गए हैं। ओवरऑल कैरियर में हर 15 बॉल में एक विकेट निकालते हैं क्योंकि 14.9 का स्ट्राइक रेट है, अप्रॉक्सीमेटली 15 बॉल में एक विकेट लेते हैं या मतलब अपने कैरियर में। अपोजिशन टीम के सामने हर 10.5 बॉल में यानी हर 11 बॉल में एक विकेट लेते हैं, और इस ग्राउंड पे भी देखें तो हर 11-12 बॉल में एक विकेट लेते हैं। ये इस ग्राउंड पे और इस टीम के सामने सबसे विकेट टेकिंग बॉलर हैं, फिर से मार्क कर लो, मार्क पर्किंसन, ठीक है, सॉरी मैथ्यू पर्किंसन, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्लेइंग 11 दुरहम की क्या होगी, ग्राहम क्लार्क जिन्होंने शुरुआती मैच में शतक लगाया था ये ओपन करेंगे एलेक्स लीस के साथ। नंबर 3 पे आएंगे एम जोनस, इस टीम के सबसे कंसिस्टेंट बैटर्स में से एक, फिर ऑली रॉबिन्सन इनके विकेट कीपर बैटर, इसके बाद इनके पास एस्टन टर्नर है जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, बास डिली डेथ ओवर्स में गेंदबाजी भी करते हैं, नीदरलैंड के काफी बढ़िया प्लेयर हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। फिर आते हैं डोनेथी, एवरेज पिक होंगे, ट्रेविस किस एक एवरेज पिक है, बैन रहने डेथ ओवर्स में आते हैं, काफी विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं। शॉर्टर स्पिन ट्रैक्स पे अच्छा करते हैं, सेकंड बॉलिंग में इस ग्राउंड पे शायद थोड़ा बहुत कुछ कर पाए। और पार्नेल इंपॉर्टेंट है बट फॉर्म थोड़ी सी इनकी खराब चल रही है, ये भी डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर लेते हैं। इस टीम से जो इनके मेन डेथ बॉलर हैं उसमें आ जाते हैं एक बैन रहने और एक आएंगे पार्नेल और बासडी लेट्स में से कोई एक, या फिर दोनों भी आ सकते हैं इनके साथ पेयर में, ठीक है। बैन रहने मेन डेथ बॉलर हो गया और उनके साथ पार्नेल और बासडी लीड सपोर्टिंग डेथ बॉलर्स हो गए, और इनके बाकी बॉलर्स में ट्रेविस किस होंगे स्पिन बॉलर और शॉर्टर होंगे स्पिन बॉलर, ठीक है। और टर्नर भी कुछ ओवर बॉलिंग कर सकते हैं, लेफ्टी बैट्समैन इनके पास एलेक्स लीस है और बाकी मोस्टली राइटी बैट्समैन ही है। अब बात करते हैं क्या फॉर्म है इन प्लेयर्स की, ये जो प्लेयर्स आप देख रहे हैं इनमें से किन किन प्लेयर्स को हम ले लें। आप देखो ग्राहम क्लार्क को देखो, रिसेंटली फॉर्म क्या चल रही है, लास्ट मैच में 29 बनाया, उसके पहले 0, उसके पहले 102, उसके पहले 14, यानी मोस्ट ऑफ द मैच में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, एक मैच में शतक जरूर बनाया है। ओवरऑल कैरियर में भी 25 के आसपास की एवरेज है, वही फिल सॉल्ट के आसपास की बैटिंग एवरेज बनाई है, जैसे फिल सॉल्ट की है ना 24-25 की, वैसे ही इनका भी 24-25 का एवरेज बनता है। बटलर का 30 के आसपास था, मैंने आपको दिखाया था, और वैसा एवरेज एलेक्स लीस का है, ठीक है। यहां पे आप देखिए अगेंस्ट लैंकेशायर ग्राहम क्लार्क के परफॉर्मेंस बहुत अच्छे नहीं रहे, एवरेज भी काफी कम है, और इस ग्राउंड पे भी ग्राहम क्लार्क आखिरी चार मैच में अच्छा नहीं खेले, एवरेज भी थोड़ी कमजोर है 25 की। एलेक्स लीस की बात करें, लेफ्टी बैट्समैन है, आखिरी चार मैच में 2 बार ठीक भी खेले, एवरेज 30 के आसपास की है, अपोजिशन टीम को ये बहुत अच्छा खेलते हैं, लैंकेशायर के सामने स्टैट अच्छे हैं, 37 की बैटिंग एवरेज है, और इस ग्राउंड पे भी स्टैट देखें तो थोड़े से एवरेज है, एवरेज मतलब 40 की है, मतलब मोस्ट ऑफ द मैच में नॉट आउट भी जाते हैं, पिछले एक दो मैच थोड़े से खराब गए, बाकी अच्छा खेले इस ग्राउंड पे, एलेक्स लीस के लिए काफी बढ़िया ग्राउंड रहेगा। जोनस की बात करते हैं, एम जोनस राइटी बैट्समैन है, पिछले 4-6 मैच इनके बहुत अच्छे गए, सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी से खेल रहे हैं, ऐसी रॉबिन्सन भी टीम के लिए बहुत कंसिस्टेंट से खेल रहे हैं, दो प्लेयर्स जो हैं वो लगातार टॉप ऑर्डर को काफी मजबूत बना के रखे हैं इस टीम के। एवरेज देखें जोनस का तो 27 है, रॉबिन्सन का 22 है, दोनों ही प्लेयर इंपॉर्टेंट है, ये विकेट कीपिंग भी करेंगे।
अपोजिशन टीम के सामने लास्ट टाइम जोनस ने 36 बनाया था, वही रॉबिनसन ने 3 बनाया था, इसलिए इनका बैटिंग एवरेज 36 है और इनका बैटिंग एवरेज 3 है क्योंकि एक ही एक मैच खेला हुआ है। इस ग्राउंड पर अगर आप देखें तो आखिरी 4 मैच में 3 बार अच्छी परफॉर्मेंस रही जोन्स की, मतलब एवरेज, और एक बार खराब रही, और वहीं इसी ग्राउंड पर 2 बार परफॉर्मेंस रॉबिनसन की काफी अच्छी रही। यहां पर बैटिंग एवरेज देखें तो 22 के आसपास की रॉबिनसन की है और 26 के आसपास की जोनस की है। जोनस काफी बढ़िया खेल रहे हैं, रॉबिनसन भी अच्छा खेल रहे हैं। टर्नर की बात करते हैं, पिछले 3-4 मैचेस में इन्होंने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, थोड़ा सा बैटिंग डाउन है तो कभी कभी बैटिंग थोड़ा सा लेट आ पाती है। रीसेंट टाइम पे बॉलिंग देखें तो वो थोड़ी सी एवरेज चल रही है, टोटल एवरेज 24 का होता है इनका बैटिंग का और स्ट्राइक रेट 19 के आसपास का होता है, यानी हर 19 बॉल अगर कराएंगे टर्नर तो एक विकेट ले सकते हैं। लैंकशायर को ये पहली बार फेस करेंगे और इस ग्राउंड पे अगर आप इनकी स्टैट देखें तो 11 की बैटिंग एवरेज है, 6 की बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। स्ट्राइक रेट 6 की कैसे हो गई, क्योंकि 6 ही बॉल डाली और एक विकेट इनको मिल गया था, छोटा सा सैंपल साइज है तो इस पे आप ज्यादा ट्रस्ट ना करें। ये है स्टैट्स इन प्लेयर्स के। आगे बढ़ते हैं, बास डी लीड जो डेथ ओवर पे बॉलिंग करने आते हैं, रीसेंट टाइम पे आखिरी 2 मैचेस में कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं और आखिरी 3 मैचेस में बॉलिंग में भी परफॉर्मेंस मतलब ठीक है। 15 का इनका बैटिंग एवरेज है, 22 का स्ट्राइक रेट है। लैंकशायर को ये पहली बार खेलेंगे इस ग्राउंड पे, लास्ट टाइम 13 बनाए थे और 0 विकेट थे इनके। अब आते हैं डोनेथी, इनकी अगर हम बात करें तो आखिरी 3 मैच से बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए, बॉलिंग में भी आखिरी 3 मैच में एक बार बॉलिंग करके एक विकेट निकाला था और वो एक विकेट 12 गेंदों में निकाला था 2 ओवर में, तो इसलिए इनका स्ट्राइक रेट 12 का है और 15 का बैटिंग एवरेज है। पहली बार लैंकशायर को खेलेंगे इस ग्राउंड पर, रिकॉर्ड डोनेथी का कुछ खास नहीं है। ट्रेविस किस की बात करें तो आखिरी 4 मैच में 3 बार विकेटें मिली हुई हैं, स्ट्राइक रेट कैरियर में 21 का होता है, यानी अपने कैरियर में 21 बॉल्स कराते हैं टी20s में तब इनको एक विकेट मिलती है। और अगर आप इनका स्ट्राइक रेट देखें अपोजिशन टीम लैंकशायर के सामने तो वो काफी अच्छा है, 16.4 का स्ट्राइक रेट है, यानी काफी विकेट टेकिंग नेचर के प्लेयर हैं ये अगेंस्ट लैंकशायर। और इस ग्राउंड पे देखें तो हर 33 बॉल में एक विकेट निकालते हैं, स्ट्राइक रेट 33 के आसपास की है जो कि अच्छी नहीं है। इस ग्राउंड पे ट्रेविस के अच्छा नहीं खेलते अंटिल अनलेस वो सेकंड बॉलिंग करें, सेकंड बॉलिंग में यहां पे स्पिनर्स अच्छा करते हैं। बेन रेने लेफ्टी बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, थोड़ा बहुत हिटिंग कर लेते हैं, रीसेंट टाइम पे टीम के लिए बहुत विकेट लेके जा रहे हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग भी कर रहे हैं। बैटिंग एवरेज 18 का है, स्ट्राइक रेट 17 के आसपास की है। अगर आप अपोजिशन टीम के सामने देखें तो बैटिंग एवरेज 10 की है, स्ट्राइक रेट थोड़ी खराब है बेन रेने की, अपोजिशन टीम के सामने बहुत अच्छा नहीं खेलते। इस ग्राउंड पे अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट 21 है, 18 की बैटिंग एवरेज है। लास्ट 2 मैचेस में इस ग्राउंड पे काफी विकेट हालांकि इन्होंने ली हुई है, ये चीज आप थोड़ा सा देखिएगा। इस ग्राउंड पे पिछले 2 मैचेस से काफी अच्छा बेन रेने खेल रहे हैं और अपने आखिरी 2 मैचेस भी बेन रेने अच्छे खेले हैं। अब शॉर्टर की बारी आती है, आखिरी 4-5 मैच में एक बार 5 विकेट निकाली हुई है, 19 का स्ट्राइक रेट है, अपोजिशन टीम को बहुत अच्छा खेले हैं। सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट शॉर्टर का है 9.6, हर 9.6 बॉल यानी हर 10 बॉल में शॉर्टर लैंकशायर का एक विकेट लेते हैं, ये इनको एक विकेट टेकिंग नेचर का प्लेयर बनाती है। सेकंड बॉलिंग में तो बिल्कुल ट्राई कर लेना। इस ग्राउंड पे हालांकि इनका रिकॉर्ड खराब है, 22 के आसपास की स्ट्राइक रेट है। अब आती है बारी वेन पार्नेल की, आखिरी 3-4 मैच बहुत खराब है, एक 3 विकेट निकाले बट वो 3 मैच पुराना हो गया, यानी 3 मैच से विकेट नहीं मिले, उसके पहले एक बार 3 विकेट निकाले थे, स्ट्राइक रेट 19 के आसपास की होती है इनके कैरियर में। अपोजिशन टीम के सामने स्टैट बहुत अच्छा नहीं है, स्ट्राइक रेट 28 का है और इस ग्राउंड पे तो इनका स्ट्राइक रेट 72 पहुंच चुका है, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में 4-4 ओवर कराते हर मैच में, तो टोटल 12 ओवर करा चुके हैं और सिर्फ एक विकेट मिली है, इसलिए इनका स्ट्राइक रेट यहां पे बहुत खराब है 72 का, हर 72 बॉल में पार्नेल ने इस ग्राउंड पे एक विकेट निकाला हुआ है। अब जल्दी से बात करते हैं टीम की, पर टीम की बात करें इससे पहले जिन लोगों ने हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करा फटाफट ज्वाइन करो, क्योंकि फाइनल टीम का जो भी अपडेट होगा, जो भी चेंजेस होंगे टेलीग्राम पे बताऊंगा, कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मेरा कमेंट है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों ने विजन 11 ऐप को डाउनलोड नहीं करा फटाफट डाउनलोड करिए, रेफर कोड FX लगाइए और ₹500 का बोनस और गिव अवे पाइए, ठीक है। फटाफट कोड FX लगा के साइन अप करो विजन 11 पे, टाइटल पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिलेगा और इस ऐप का लिंक भी मिलेगा विजन 11। अब बात करते हैं टीम की, मेरी टीम में ऑली रॉबिनसन आ गए, बटलर आ गए, एक और बहुत अच्छे ऑप्शन है फिल सॉल्ट, बट वो थोड़ा सा अटैकिंग नेचर के प्लेयर है इसलिए मैं उन पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता। विकेट कीपर इस टाइम पे बटलर है तो सॉल्ट आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट नहीं देंगे, आप उनको ले सकते हैं, अच्छे प्लेयर है फिल सॉल्ट बट थोड़ा शुरुआत से तेज खेलते हैं जिससे थोड़ा सा डर लगता है उनको लेने में। फिर मैंने बैटिंग सेक्शन से लिविंगस्टन को लिया, जोन्स को लिया और लीस को लिया हुआ है। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने पिक करा है बास डी लीड को, बेन रेने को और डेरिल मिशेल को। मेरे बॉलर्स में मैंने लिया है पर्किंसन को, वेन पार्नेल को और ल्यूक वुड को। हालांकि पार्नेल के पिछले 2-3 मैच खराब गए हैं, इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, तो इस जगह पे अगर आपको चेंज करना हो तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्टैट्स वगैरह आपने सब देख ही लिए। ये मेरी अभी फिलहाल के लिए फाइनल टीम है, इसमें कोई भी अगर मैं अपडेट करता हूं तो आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मेरे कमेंट में है, जाके क्लिक करके ज्वाइन करिए। कप्तान मैंने बनाया है डी मिशेल को, जो बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में बॉलिंग करने आ रहे हैं, आपको काफी फैंटेसी पॉइंट दे चुके अभी तक। वाइस कप्तानी बटलर को दी है, विकेट कीपर भी है, बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, एक दो मैच
मैच खराब जरूर गए हैं, बट अब बैक करने वाले हैं और जिस दिन बैक करेंगे बहुत बड़ा स्कोर करेंगे। बाकी जो लोग ग्रैंड लीग खेल रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं किन प्लेयर्स को, पार्किंसन को कर सकते हैं सेकंड बॉलिंग के केस में, लिविंगसन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, और यहाँ पे जोनस भी एक अच्छे ऑप्शन है। ऐसा नहीं, जोनस भी बहुत कंसिस्टेंटली खेले, रॉबिनसन भी बहुत कंसिस्टेंटली खेले, ठीक है, आखिरी कुछ मैचेस में। सो ग्रैंड लीग में उनको ट्राई कीजिए, बाकी स्मॉल लीग में डी मिशेल और बटलर सबसे सेफ ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमारी प्रेडिक्शन होती है खत्म, और बाकी जो प्रेडिक्शन होगी आपको टेलीग्राम पे देंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करना मत भूलना, शेयर बहुत जरूरी है। आप शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है दिल से और बहुत व्यूज आते हैं, तो आपका शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे एक करिए, कहीं भी करिए, बट करिए जरूर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।